हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आरक्षण से जुड़ी अपडेट, चाहे शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट हो या कुछ भी अपडेट हो प्रदेश की, हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। देखिए साथियों, अभी अभी के बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है, 76% आरक्षण पर सरकार और राज्यपाल अब आमने सामने। जी हाँ साथियों, 76% आरक्षण पर राजभवन को मिला स्टे। जी हाँ, क्या है पूरी अपडेट हम विस्तार से बताने वाले हैं। साथियों देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को दी गई नोटिस पर स्टे दे दी है। जी हाँ साथियों, आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर न करने पर राज्यपाल के खिलाफ, आप सभी जानते हैं कुछ दिवस पहले की बात है कि राज्यपाल के खिलाफ एक याचिका दायर किया गया था कि राज्यपाल जो मैडम है वह आरक्षण संशोधन विधेयक बिल को उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है, उसको लेकर बैठ गई है। तो इसी को लेकर उसके खिलाफ अर्थात राज्यपाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। तो इसकी सुनवाई करते हुए दिग्गज वकील कपिल सिब्बल जो बिलासपुर पहुंचे थे, ठीक है, तो हाई कोर्ट में इस पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था जिसमें एक सप्ताह का समय दिया गया था। आप सभी जान रहे हैं, तो राजभवन सचिवालय इस पर कल हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर नोटिस पर रोक लगाने की भी मांग की। राजभवन सचिवालय का कहना था कि राज्यपाल राष्ट्रपति को नोटिस नहीं दी जा सकती, वह हाई कोर्ट के प्रति जवाब दे नहीं। आज जस्टिस रजनी दुबे ने नोटिस पर स्टे दे दिया है, तो जो नोटिस जारी किया गया था साथियों उस पर स्टे मिल चुका है। अब राज्यपाल और राजभवन को राहत मिलती नजर आ रही है। जी हां, अब सरकार द्वारा उस पर इस बात को लेकर उंगली नहीं उठाया जा सकता कि आरक्षण विधेयक बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रही। बार बार उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था, बार बार उस पर उंगली उठाया जा रहा था। तो अब जो है आरक्षण को लेकर, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल पर अब उंगली नहीं उठाया जा सकता। आप देख सकते हैं नोटिस मिल चुका है स्टे का। जी हां साथियों, राज्यपाल सचिवालय को नोटिस पर हाई कोर्ट ने दे दिया है स्टे। हाई कोर्ट द्वारा स्टे आर्डर दे दिया गया है आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने पर। ये जो हाई कोर्ट ने दी थी नोटिस, तो हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि आखिर क्यों राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है, लेकिन अब उस पर स्टे जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये राज्यपाल को अब इस पर साथियों राहत मिलती नजर आ रही है, राजभवन को इस पर राहत मिलती नजर आ रही है। देखिए साथियों, ये जो आरक्षण का मामला है 76% वाला, पूरी तरीके से पेचीदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि इसका मसला अभी तक बना हुआ है, क्लियर ही नहीं हो पाया है कि आरक्षण की क्या सीमा तय होगी हमारे प्रदेश में। आरक्षण का रिजल्ट जो भी आएगा साथियों, लेकिन अभी वर्तमान में आरक्षण के परसेंटेज को लेकर, आरक्षण के प्रतिशत को लेकर सभी में अभी संदेह की स्थिति बनी हुई है। जो भी फैसला आएगा, देखिए छत्तीसगढ़ की जो भूपेश की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के 22 या 23 जनवरी की जो फैसला होना है, सुनवाई होना है, उसका इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर कोई ना कोई सकारात्मक फैसला आरक्षण को लेकर करे। इस पर नजर जो है राज्य सरकार की बनी हुई है, लेकिन दूसरी ओर यहां राज्य सरकार हाई कोर्ट में और यहां राज्यपाल को राहत मिलती नजर आ रही है। तो राज्य सरकार जो है केंद्र की ओर भी रुख किया हुआ है, वहां से भी उसको क्या फैसला आता है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन यही हम अंदाजा लगा सकते हैं मित्रों कि 22 या 23 मार्च के पहले आपका किसी भी प्रकार से शिक्षक भर्ती या अन्य विभाग की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ। जय हिंद।